नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा बसाने जा रहा है। इसका नाम दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र तय है। यह शहर शिकागो इंडस्ट्रियल हब की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों को बेस्ट कनेक्टिविटी देना है। इसमें सड़क, रेलवे, हवाई तीन माध्यमों को चुना गया है। यह तीनों ही देश के ऐसे शहरों से सीधे जोड़े जाएंगे जहां से कच्चे माल की उपलब्धता वह तैयार माल डीलर की पहुंच में हो। इसी को प्राथमिकता दे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली को मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी प्राधिकरण ने सौंपी है। इसके लिए शुक्रवार को सेक्टर 6 स्थित कार्यालय पर अनुबंध साइन किया जा चुका है। चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर मोहम्मद इतियात अहमद ने बताया कि शिकागो इंडस्ट्रियल हब मुख्यतः सड़क, रेलवे, हवाई मार्ग से जुड़ा है, जिससे यहां निवेशकों को निवेश के लिए बेहतर विकल्प मिलते हैं। किसी भी क्षेत्र को विकसित करने के लिए उसे जोन में बांटना बेहतर विकल्प होता है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भी इसी आधार पर काम करने जा रहा है, जिसमें शिकागो सहित अन्य यूरोपीय देश की तर्ज पर विभिन्न जोन जैसे साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन में बांटकर विकसित करने का मास्टर प्लान तैयार करेगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। DNGIR कुल 210 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ भी प्रत्येक जोन में अलग अलग इंडस्ट्रियल हब को विकसित किया जाएगा। यहाँ प्रस्तावित सड़क, रेलवे लाइन सीधे DNGIR को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ेंगे। साथ ही कच्चा माल व मशीनरी के लिए कोलकाता व लुधियाना से शहर जुड़ जाएगा, जिससे निवेश के मार्ग बढ़ेंगे। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ यहाँ किस तरह की इंडस्ट्री को ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सकता है, तीन अर्ली वार्ड प्रोजेक्ट को शहर के साथ कैसे जोड़ा जाएगा जिससे निवेशकों को DNGIR की ओर आकर्षित किया जा सके, इस दिशा में काम किया जाएगा। DNGIR बुलंदशहर की ओर जाने वाली GT रोड व हावड़ा की ओर जाने वाली रेलवे लाइन के मध्य स्थित है। यहीं पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर दादरी से मुंबई तक का निर्माण चल रहा है, जबकि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर लुधियाना से कोलकाता तक वाया खुर्जा प्रस्तावित है। खुर्जा से एक SPUR दादरी तक निर्मित होनी है, जो ईस्टर्न व वेस्टर्न कॉरिडोर का कॉमन पॉइंट होगा। यही नई हवाई सेवा के लिए जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्मित हो रहा है। इससे निवेशकों के लिए भविष्य में बेहतर कार्गो सेवा उपलब्ध होगी। मौजूदा समय में औद्योगिक नगरी नोएडा की सबसे बड़ी समस्या औद्योगिक सेक्टरों में अवैध झुग्गी झोपड़ी की बसावट है। इससे सुरक्षा, लाइन लॉस, जमीन की हानि की समस्या झेलनी पड़ रही है। कच्चे माल की उपलब्धता के लिए औद्योगिक इकाइयों के सामने भी बड़ी चुनौती है। इसलिए DNGIR का मास्टर प्लान इस प्रकार तैयार हो रहा है कि यहां झुग्गी झोपड़ी अतिक्रमण जैसी कोई समस्या ना हो। औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ उद्यमियों, कामगारों के लिए बेहतर आवासीय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्टेशन व मूलभूत सुविधाओं को शामिल किया जा सके। हरियाणा के मानेसर, कोडली, राई, बावल, धारूहेड़ा, राजस्थान के भिवाड़ी से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण किसान और इन्वेस्टर को एक साथ मिलाकर कार्य किया जा रहा है, जिसमें CII, फिक्की, एसोचेम, चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों का सहयोग शामिल रहेगा। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।